ध्यान दीजिए भैया, नया टॉपिक है बियॉन्सी। सुना आपने कभी किसी बियॉन्सी? क्या मतलब होता है बियॉन्सी के बताओ? बायंसी ही बोलते हैं कुछ लोग, मैं बियॉन्सी बोलता हूं। बताइए क्या 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 मतलब क्या होता है इसका? क्या सुना आपने, क्या समझा इसके बारे में? क्या इमेज है आपके दिमाग में बियॉन्सी का बताइए? तो जब कोई ऑब्जेक्ट पानी में इमर्ज करा जाता है, ठीक है ना, फुली पार्शियली कैसा भी, तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट पानी में जाता है ना, या कह दें कि जाने के बाद वो कुछ वाटर को डिस्प्लेस करता है, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है उतना उस पर अपथ्रस्ट काम करता है। क्या करता है? अपथ्रस्ट काम करता है। अपथ्रस्ट काम करता है तो कभी वो ऑब्जेक्ट ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये जो प्रोसेस उस ऑब्जेक्ट में दिखाई देती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में फेंकते हैं या पानी में इमर्ज कराते हैं, कुछ भी करते हैं उस सिचुएशन में, ऑब्जेक्ट कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, ये जो एक्सपीरियंस है इसको अपन क्या बोलते हैं? बियॉन्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियॉन्सी बोलते हैं। ठीक है, जब भी अपन किसी ऑब्जेक्ट को, हम खुद ही अगर पानी में जाते हैं या कूदते हैं, नदी है, तालाब है, स्विमिंग पूल है, जैसे कूदते हैं जाते हैं तो हमारे ऊपर अपथ्रस्ट काम करता है, ठीक ना। वो जो अपथ्रस्ट है उस अपथ्रस्ट की वजह से बॉडी ऊपर आती है फिर डूबती है, ऊपर आती डूबती है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा प्रोसेस है, अपन क्या बोलते हैं? बायंसी बोलते हैं, बियॉन्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियॉन्सी बोलते हैं। आखिर वो जो हम अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करते हैं, बॉडी जिसको फ्लूड में इमर्ज करा है, वाटर में इमर्ज करा है, उस पे वो जो बॉडी है जो अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है, जिसकी वजह से वो ऊपर आता है नीचे जाता है ऊपर आता है नीचे, उस फोर्स को बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स। आया समझ में? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फुली और पार्शियली वाटर में इमर्ज होता है तो इमर्ज होने के साथ उस पे ऊपर की तरफ फोर्सेस लगते हैं, उसका वेट डाउनवर्ड लगता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगते हैं, वेट डाउनवर्ड लगता है, तो इस तरीके की उथल पुथल में क्या है, उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर डाउनवर्ड जाता है, ऊपर आता है, फिर डाउनवर्ड आता है, इस पूरे सिस्टम को बियॉन्सी बोलते हैं। और उस पे वो जो अपथ्रस्ट लगता है, उस पे वो जो अपवर्ड फोर्स काम करता है, दैट इज द बियॉन्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? बियॉन्ड फोर्स। आया किसी को समझ में? बताइए, क्लियर हुआ? इसी चीज को देखते हुए, इसी चीज को देखते हुए आर्कमिडीज का दिमाग चला है ना। आर्कमिडीज असल में है क्या? ये तो देखो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब आर्कमिडीज का जन्म भी नहीं हुआ हो रहा होगा, तब से हमारे यहाँ के लोग, इंडिया के लोग क्या है, तैर तैर के नदियों से उस पार जाते थे। भाई कब पैदा हुए होंगे आर्कमिडीज? 1700 में, 1800 में? हमारा इंडिया का इतिहास तो 500 से है, 100 से है, 200 से है, 300 से है, मुझे इतिहास कम पता है लेकिन बता रहा हूं, मैंने लिखा पढ़ा देखा है, ठीक है। तो कहने का कि बहुत टाइम से है, बहुत पहले से, मतलब जो है इंडियन हिस्ट्री में कुछ चर्चाएं होती हैं, तो लोग तो बहुत दिन से हैं, पहले नदी नाले ज्यादा हुआ करते थे, लोग मूवमेंट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो तैर के तो जाते थे, लेकिन लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसने दिया? आर्कमिडीज ने। तो आर्कमिडीज ने जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया वो कोई रिसर्च नहीं है, वो स्टडी है ना, हो रहे फ्लोटेशन को उसने कॉपी में लिख दिया है ना, जो प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है उस प्रोसेस की रिसर्च नहीं करी उन्होंने, वो प्रोसेस इन्वेंट नहीं करी, वो प्रोसेस डिस्कवर नहीं किया, उनने उस पर स्टडी कर लिया, देखा कि लोग तैर रहे हैं, उन्होंने एक कहानी लिख दी। क्यों तैर रहे हैं? बोले इसलिए तैर रहे हैं, बस खत्म। नमक खोजा नहीं है, नमक का टेस्ट बताया, समझ रहे ना, नमक की डिस्कवरी नहीं करी है, नमक को टेस्ट किया है, ठीक है ना, टेस्ट को लिखा है, समझिएगा बात को। तो वही कहानी है, बियॉन्सी क्या है, जब अपन कोई बॉडी को वाटर में इमर्स करते हैं या लिक्विड में इमर्स करते हैं तो बॉडी पे अपवर्ड फोर्सेस काम करते हैं या अपवर्ड फोर्स लगते हैं, है ना, उसी प्रोसेस की वजह से बॉडी ऊपर आती नीचे जाती, ऊपर आती नीचे जाती, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? बियॉन्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियॉन्सी। और वो जो अपथ्रस्ट काम करता है दैट इज द बियॉन्ड फोर्स, ठीक है ना।
दैट अ थ्रस्ट इज नोन एज बियॉन्ड फोर्स। यही प्रोसेस देखते देखते आर्किमिडीज का दिमाग जागा और आर्किमिडीज ने कहा कि आखिर ये जो अपथ्रस्ट लगता है, ये जो बियॉन्सी होती है, ये जो बियॉन्ड फोर्स लगता है, ये बियॉन्ड फोर्स किसकी वजह से लगता है? जब बॉडी वाटर के अंदर जाती है तो डेफिनेटली वाटर को डिस्प्लेस करती है, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करती है उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग उस पर क्या लगता है? अपथ्रस्ट लगता है। मतलब वो जो अपथ्रस्ट बॉडी एक्सपीरियंस करती है, वो जो बियॉन्ड फोर्स बॉडी एक्सपीरियंस करती है, वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड। किसकी वजह से बताइए? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड, ये आर्किमिडीज ने कहा। और क्या कहा उसकी आई कहानी भी समझते हैं। आर्किमिडीज कहते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये कोई बड़ा सा कंटेनर है और इस पे ना बहुत सारा पानी भरा है, ठीक है ना। ये कंटेनर पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। किससे भरा है? पानी से। समझिएगा, मैंने इसके अंदर ना एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। ये बॉक्स, समझ जाइएगा, ये बॉक्स रखा है, ठीक है, ये बॉक्स है। समझिए, ये जो बॉक्स है इसकी अपर सरफेस का एरिया क्या है? ए है। और लोअर सरफेस का एरिया भी क्या है? ए है। इसकी अपनी हाइट कितनी है? एच है। और वाटर लेवल से इसकी हाइट कितनी है? शायद एक्स है, ठीक है ना। वाटर लेवल से इसकी फर्स्ट फेज की हाइट कितनी है? एक्स। और उसकी खुद की अपनी हाइट कितनी है? ए है। समझिएगा, मैं बात करता हूं सबसे पहले, इधर पे कुछ प्रेशर लग रहा होगा, कितना प्रेशर लग रहा होगा? पी वन। इस पे भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, कितना प्रेशर लग रहा होगा? पी टू। पी टू की वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा एफ टू ऊपर की तरफ, पी वन की वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा एफ वन नीचे की तरफ। बात को समझिएगा, एफ वन ऊपर से नीचे लग रहा है और F2 नीचे से ऊपर लग रहा है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब भी बॉडी फुली और पार्शियली किसी लिक्विड में इमर्ज होती है तो वो बॉडी एक अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करती है। क्या एक्सपीरियंस करती है? अपथ्रस्ट। क्या देखा हमने? इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना हुआ बताइए? अपथ्रस्ट हुआ एफ टू माइनस क्या? एफ वन। अपथ्रस्ट क्या हुआ बताइए? F2 माइनस। अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ रिजल्टिंग फोर्स, F1 लग रहा था नीचे, F2 लग रहा था ऊपर, तो ऊपर की तरफ रिजल्टिंग फोर्स कितना हुआ बताइए? F2 माइनस F1। क्या हुआ? F2 माइनस F1। समझिएगा, फोर्स इक्वल होता है प्रेशर इनटू एरिया। क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कॉमन ले लो, P2 माइनस क्या? P1। समझिएगा, ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये लिक्विड सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसकी वजह से प्रेशर क्या होगा पता आपको? एक्स रो जी। कितना होगा प्रेशर बताइए? एक्स रो जी। और जो दूसरा वाला नीचे वाला प्रेशर है, ठीक है ना, नीचे वाला प्रेशर, तो इसकी लिक्विड लेवल से हाइट कितनी है? एक्स प्लस एच। तो इसकी वजह से प्रेशर क्या होगा? एक्स प्लस एच रो जी, ठीक है। तो एक्स प्लस एच रो जी माइनस एक्स रो जी, तो रो जी कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? x प्लस एच माइनस एक्स, x से x कट जाएगा, क्या मिलेगा? ए एच रो जी। ए क्या है? एरिया ऑफ सरफेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एच क्या है? हाइट। तो एरिया इंटू हाइट को हम क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? एरिया इंटू हाइट को क्या बोलते हैं बताओ? वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम रो जी। और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को क्या बोलते हैं बताओ? इस पूरे बॉडी का जो वॉल्यूम है वो वी है और इसकी डेंसिटी रो है, तो क्या बोलते हैं? मास। तो अपथ्रस्ट कितना हो गया बताइए? अपथ्रस्ट हो गया एम इंटू कितना? जी। अपथ्रस्ट कितना होगा बताइए? एम इंटू जी। समझ में कुछ आया कि नहीं है? तो अपथ्रस्ट किसके बराबर है? वेट के बराबर है। किसके वेट के बराबर है? इसने जितना वाटर डिस्प्लेस किया, इसने इतना ही वाटर डिस्प्लेस किया होगा जितना इसका क्या है? वॉल्यूम है। इसने कितना वाटर डिस्प्लेस करा? जितना इसका क्या है? वॉल्यूम है। इसने अपने वॉल्यूम जितना वाटर डिस्प्लेस करा तो क्या आएगा बताइए? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट आएगा एम इंटू जी। अपथ्रस्ट कितना आएगा बताइए? एम इंटू जी। तो आर्किमिडीज क्या कह रहे थे वो तो सुनो। आर्किमिडीज कहते हैं, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इमर्ज फुली और पार्शियली इंटू द लिक्विड। क्या बोला? व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इमर्ज फुली और पार्शियली इंटू द लिक्विड, then there is an upthrust force will experience by the body।
There is an upthrust force will experience by the क्या body due to the amount of fluid, due to the amount of fluid displaced by it. इसके ऊपर क्या लगेगा, एक upthrust लगेगा. वो किसकी वजह से लगेगा, इसने जितना फ्लूड डिस्प्लेस किया है उसकी वजह से. और यहां तक कि वो जो अपथ्रस्ट है ना, इसके डिस्प्लेस्ड फ्लूड के वेट के बराबर लगेगा. कितना लगेगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूड के वेट के बराबर. कितना लगेगा बोलिए, डिस्प्लेस्ड फ्लूड के वेट के बराबर. ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल. व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एवर वी इमर्ज अ बॉडी फुली और पार्शियली इनटू द लिक्विड कंटेनर, then the body will experience an upthrust due to the liquid displaced by it. Ya yun kahe ki upthrust is equal to the weight of the liquid displaced by the body. To jab bhi apan kabhi kahan jate hain, liquid mein jate hain ya liquid mein apne aap ko immerse karte hain, to us time pe hum jitna water displace karenge us water ke weight ke jitna hamare upar kya lagega, upthrust lagega, jo ki baad mein flotation ke liye bhi responsible hai. आ गया समझ में. आर्किमिडीज का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों चीजें क्लियर हो गई आपके दिमाग में, जल्दी छापो इसको फिर आगे बात करते हैं. नोट कीजिए प्लीज, ध्यान दीजिए. अपेरेंट वेट समझे क्या है, बॉडी है, बॉडी फ्लूड के अंदर गई उसका कुछ वेट था, बॉडी फ्लूड के अंदर गई उसका कुछ वेट था, लेकिन उस बॉडी पे अपथ्रस्ट लग रहा है, उसका वेट रिड्यूस हो गया. समझ के देखिए, एक्चुअल में था क्या, मैं आपके सिर पे बैठ जाऊं आपको बहुत वजन लगेगा, मैं झूले पे बैठ जाऊं, वो झूला नहीं रहता वो लंबा लंबा ऐसा ऐसा वाला, ऐसे झूलते हैं लेट के एकदम बिल्कुल, वो वाले झूले पे बैठ जाऊं और आप ना है थोड़ा सा आपके सिर में टच हो रहा हो, वो थोड़ा सा सिर में टच हो रहा, मैक्सिमम पोर्शन मेरा कहा झूले में, थोड़ा सा वो आपके सिर में टच हो रहा हो, आपको ज्यादा वेट कब एक्सपीरियंस होगा, जब मैं झूले के साथ थोड़ा सा टच हो रहा हूंगा या जब मैं कंप्लीटली आपके ऊपर बैठा हूंगा, बताइए जल्दी से कब ज्यादा वेट एक्सपीरियंस होगा आपको. मुझे, मैं बाबा बड़ा हूं, छोटे बच्चे को ले लो, जब एकदम एक्चुअली छोटा बच्चा, जब वो छोटा बच्चा एक्चुअली आपके ऊपर बैठा होगा तो आप ज्यादा वेट एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन जब उसको झूले में बैठा के और झूले का कुछ हिस्सा आपसे टच हो तो आपको कम वेट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उस बच्चे का मैक्सिमम वेट किसने होल्ड कर लिया है, झूले ने होल्ड कर लिया है. समझिएगा, ये जो बॉडी है जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, ये जो बॉडी जिसकी डेंसिटी सिग्मा है, इसका अपना कुछ वेट था, लेकिन फ्लूड ने इस पे क्या लगा दिया, अपथ्रस्ट लगा दिया. क्या लगा दिया, अपथ्रस्ट. तो अब इसका एक्चुअल वेट असर नहीं करेगा, अब इसका वेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो अपेरेंट वेट क्या है, एक्चुअल वेट, और रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि वेट होता है डाउनवर्ड और अपथ्रस्ट तो नाम ही अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ होगा. एक्चुअल वेट माइनस क्या, अपथ्रस्ट. एक्चुअल वेट माइनस क्या, अपथ्रस्ट. समझिएगा, एक्चुअल वेट इसका वेट स्मॉल एम जी, अपथ्रस्ट कितना है बताओ, कैपिटल एम जी. समझना, जी कॉमन ले लो. इसका मास, इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसका वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी, इसका मास, लिक्विड का मास. अपथ्रस्ट में कौन अपथ्रस्ट लगाता है, लिक्विड के वेट की जितना, तो लिक्विड का मास, लिक्विड का वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी. मैं आपको बता दूं कि लिक्विड का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जितना इसका वॉल्यूम है, लिक्विड का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जितना इस मटेरियल का वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम दोनों के सेम, वॉल्यूम कॉमन ले लो, क्या बचेगा, सिग्मा माइनस रो. सिग्मा माइनस क्या, रो. अपेरेंट वेट, अपेरेंट वेट क्या आएगा, वीजी सिग्मा माइनस रो. सिग्मा किसका, सिग्मा किसका डेंसिटी है, मटेरियल का डेंसिटी है, और रो किसका डेंसिटी है, फ्लूड का डेंसिटी है. ठीक है, सिग्मा किसका डेंसिटी है, मटेरियल का, और रो किसका है बताइए, रो किसका है, रो है लिक्विड का. आप चाहो तो रो कॉमन ले लो, वी जी रो, सिग्मा अपॉन रो माइनस वन, ये अभी अपेरेंट वेट. समझ में आ गया, अपेरेंट वेट इज द वेट ऑफ लिक्विड इंटू सिग्मा अपॉन रो माइनस वन. आ गया समझ में सबको, ये है अपेरेंट वेट. जल्दी इसको भी नोट करिए, छापिए प्लीज. देखो अपेरेंट वेट का मतलब क्या हुआ, ये जो बॉडी है अभी ये वजन में बहुत ज्यादा थी, अगर आप इस पे कोई नीचे से ऊपर की तरफ धक्का लगा देंगे तो इसका वेट अपने आप से, आप अपना हाथ लीजिए, अपना हाथ आप क्या कर दीजिए उस पे रख दीजिए, तराजू पे रख दीजिए, तराजू पे आप रखोगे शायद वो 2 किलो बता रहा होगा, फिर आप उसी हाथ को नीचे की तरफ दबाने लग जाओ वो कितना बताता है, 4-5 किलो.
आप हैरान हो जाते हो कि मेरा हाथ अभी 2 किलो का था, अब ये दबाने पे और बढ़ रहा है, क्योंकि आप उसमें डाउनवर्ड एक्शन कर रहे हो। लेकिन वहीं कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आपका हाथ ऊपर से उठाने लगे, आपका हाथ सिर्फ टच रहे तराजू में, तो 2 किलो रीडिंग नहीं देगा, कम रीडिंग देगा, क्योंकि अब इस हाथ पे एक्चुअल वेट के अगेंस्ट में अपथ्रस्ट लगने लगा। क्योंकि वेट कहाँ रहता है? डाउनवर्ड। अपथ्रस्ट कहाँ होगा? अपवर्ड। जो अपवर्ड आप फोर्स लगा देते हो तो वेट क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज? जितना अपथ्रस्ट लगेगा। तो अपेरेंट वेट इज द एक्चुअल वेट माइनस क्या? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, मास ऑफ द लिक्विड इंटू क्या जी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, भी कॉमन ले लिया, सिग्मा माइनस क्या रो, रो भी कॉमन ले लिया, सिग्मा अपॉन रो माइनस वन। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, कुछ आया समझ में? बोलिए, बन जाएगा पक्का? चलिए चलिए, और कोई दिक्कत? बोलो, नोट करिए इसको भी, आगे बात करते हैं, छापिए, समझिएगा लॉज ऑफ फ्लोटेशन, है ना? लॉज ऑफ फ्लोटेशन ध्यान दीजिएगा, कोई बॉडी लिक्विड में फ्लोट कैसे करती है, किस रीजन की वजह से फ्लोट करती है। आपने सुना होगा, मान लीजिए ये इधर पे फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है ना? इस फ्लूड में अगर मैं कोई सिक्का फेंकता हूं, वो सिक्का सीधे नीचे चला जाता है। उसी फ्लूड में, उसी कंटेनर में, उसी मटेरियल की बनी हुई नाव भेजता हूं, नाव जबकि उस सिक्के से ज्यादा वजनी है, ज्यादा हैवी है, उसके बावजूद भी क्या ये नाव इस पर डूबेगी? जल्दी बताओ, क्या ये नाव डूबेगी? ये सिक्का तुरंत डूब जाता है, क्या ये नाव डूबेगी? क्या ये नाव डूबती? जल्दी बताओ, क्या ये नाव डूबती? नहीं डूबती है, कुछ और रीजन है इसका, ये नाव नहीं डूबती। आप छोटा सा पत्थर डालिए, छोटा सा पत्थर, ये डूब जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो तैराक है वो नहीं डूबता है। रीजन क्या है? तैराक ऐसा क्या खा के जाता है जिसकी वजह से वो डूबता नहीं है? बताइए जल्दी से, क्या आपके दिमाग में है कि ये सिक्का डूब जाता है लेकिन इससे भी ज्यादा हैवी जो बोट है वो नहीं डूबती है? रीजन क्या है? बताइए जल्दी से। फ्लोटेशन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? समझिएगा, वही जो थोड़ी देर पहले किसने बताया? आर्कमिडीज ने बताया। अभी बात को समझो, आप कोई बॉडी हो, मान लीजिए मैंने ये बोला ये जा रहा है श्रेयांश, श्रेयांश कूदा धर्म सागर में, कहां कूदा? धर्म सागर में। और श्रेयांश का जो वेट है वो 60 kg है, श्रेयांश का वेट 60 kg है डाउनवर्ड। श्रेयांश ऐसे हाथ बंद करके कूदा और कूद गया, कूद गया और सीधे कहां जाके गिरा? नीचे गिरा। श्रेयांश ऊपर फ्लोट नहीं किया, श्रेयांश 60 kg का है, सीधे कहां चला गया? नीचे। उसके बाद आया उत्कर्ष देव परमार, उत्कर्ष देव परमार 90 kg का है, ये भी धर्म सागर में कूदा और ये कूदा ऐसे लहरा लहरा के कूदने लगा, ये यहां ऊपर फ्लोट कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कंसेप्ट क्या है? ये श्रेयांश सीधे नीचे चला गया जबकि ये उत्कर्ष देव परमार ऊपर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, मजे ले रहा है, तैर रहा है। समझ रहे हैं बात को? रीजन क्या है? श्रेयांश कूदे, भले ये 60 kg के हैं, इन्होंने उतना ही वाटर डिस्प्लेस करा जितना इनका खुद का वॉल्यूम था और उस वाटर का वेट लगभग 20 kg था। और जितना उस वाटर का वेट होगा उतना ही क्या लगेगा? अपथ्रस्ट लगेगा। अब श्रेयांश से 60 के अपथ्रस्ट मिला 20 का, फिर भी अभी 40 kg वजन ज्यादा है, तो बॉडी कहां चली जाएगी? नीचे की तरफ। उत्कर्ष है 90 के, लेकिन इन्होंने इतना सारा वाटर डिस्प्लेस कर दिया, इतना सारा वाटर डिस्प्लेस कर दिया जिसका वेट 150 kg है या 150 newton है, ठीक है ना? इन्होंने इतना ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया, इतना ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया कि उसका वेट कितना है? 150 newton। तो जितना उस फ्लूड का वेट होगा उतना ही क्या मिलेगा? अपथ्रस्ट। तो उत्कर्ष देव परमार को कितना अपथ्रस्ट मिला? इसको मिला 150 का। खुद का वेट कितना था? 90। ज्यादा क्या है, अपथ्रस्ट या वेट? ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है और वेट नीचे वाला फोर्स कम है। इधर पे नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है। तो यार ये बताओ, जब नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स होगा तो बॉडी कहां जाएगी? अगर फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा होगा तो बॉडी कहां जाएगी? जल्दी बताओ, बोलो,
अगर फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा होगा तो बॉडी कहां जाएगी? नीचे जाएगी। लेकिन अगर फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा होगा तो बॉडी कहां जाएगी? ऊपर। उत्कर्ष देव परमार के केस में ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है और नीचे वाला फोर्स कम है, जबकि श्रेयांश केस में नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स कम है। तो जिस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा बॉडी वही जाएगी। तो कौन फ्लोट करेगा? जो ज्यादा अपथ्रस्ट क्रिएट करेगा। कौन सिंक कर जाएगा? जो कम अपथ्रस्ट क्रिएट करेगा। और कौन लेवल पे रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे? जो अपने वेट के जितना अपथ्रस्ट क्रिएट करेगा। आया समझ में? इस तरीके से लॉज ऑफ फ्लोटेशन है वो किस पे बेस्ड है? आपके वेट और डिस्प्लेस्ड फ्लूड के बेस्ड पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? ठीक है, आपके वेट और डिस्प्लेस्ड फ्लूड के वेट पर डिपेंड करता है। नोट कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। छापिए इसको पहले। अब देखिए कैसे कैसे किन किन सिचुएशन में है ना फ्लोटेशन किस टाइप का होगा, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर बॉडी लिक्विड में इमर्ज हुई, ठीक है, और बॉडी का वेट कितना है? W है। बॉडी ने कुछ वाटर डिस्प्लेस किया, जो वाटर डिस्प्लेस किया उसकी वजह से अपथ्रस्ट U है, ठीक है। अगर उसका वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट कम है, समझना ध्यान से, वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट कम है। वेट ज्यादा है मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है और अपवर्ड फोर्स कम है, समझिएगा। वेट ज्यादा है मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है और अपथ्रस्ट क्या है? कम है। तो बताइए बॉडी की रिजल्टिंग मोशन किस डायरेक्शन में जाएगी, जल्दी बताइए। बॉडी डाउनवर्ड जाएगी, देन बॉडी विल सिंक, बॉडी विल सिंक। दूसरा केस समझिए, फ्लूड भरा हुआ है बढ़िया तरीके से, अच्छी बात है। बॉडी का वेट है डब्ल्यू और अपथ्रस्ट कितना मिल रहा है उसको? यू। अपथ्रस्ट क्यों मिलता है? जब बॉडी लिक्विड में जाती है, कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, उस डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के जितना उसको अपथ्रस्ट मिलता है। लेकिन इस बार अपथ्रस्ट और वेट दोनों बराबर है, बॉडी कहां होगी, जल्दी बताइए। बॉडी कहां जाएगी? ऊपर और नीचे दोनों फोर्स बराबर है। बॉडी बॉडी सरफेस पे फ्लोट करेगी, है ना, इनसाइड द सरफेस फ्लोट करेगी। बॉडी विल फ्लोट इनसाइड द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बॉडी विल फ्लोट फ्लोट इनसाइड द सरफेस ऑफ फ्लूइड, समझिएगा। लेकिन अगर किसी केस में, नीचे बना देते हैं, लेकिन अगर किसी केस में फ्लूइड भरा हुआ है, बॉडी का जो वेट है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है, और अब थ्रस्ट बहुत ज्यादा है, तो बताइए अब बॉडी कहां जाएगी? बताइए अब बॉडी कहां जाएगी? बिल्कुल, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड। आया समझ में? क्या समझ में आया? वेट मतलब डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट मतलब अपवर्ड। सीधी सी बात है, अगर ऊपर तरफ वाला फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, अगर नीचे तरफ वाला फोर्स ज्यादा होगा तो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर दोनों चीजें बराबर हैं, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बराबर है, तो बॉडी ना तो ऊपर जाएगी और ना ही नीचे जाएगी। जितना वो सिंक कर गई है एक बार, जितना इमर्ज हो चुकी है, वहीं पे फ्लोट करती रहेगी, ना ऊपर जाएगी और ना ही नीचे जाएगी। समझ में आ गया? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सपोर्टिंग है लॉज ऑफ फ्लोटेशन के लिए। तो जो लोग ज्यादा हाथ पैर मारते हैं, ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस करते हैं, ज्यादा अपथ्रस्ट लगता है और वो डूबते नहीं है। जो लोग कम हाथ पैर मारते हैं, एकदम सीधे जाए कूद जाते हैं, वो बिल्कुल भी वाटर डिस्प्लेस नहीं करते, उनको बिल्कुल अपथ्रस्ट नहीं मिलता या कंपैरेटिवली कम अपथ्रस्ट मिलता है, वो बॉडी क्या हो जाती है? सिंक कर जाती है। आया समझ में? तो क्या था लॉज ऑफ फ्लोटेशन? अगर बॉडी का वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा है देन बॉडी विल सिंक, अगर उसके अपथ्रस्ट के बराबर है बॉडी विल फ्लोट इनसाइड द लेवल ऑफ लिक्विड, और अगर बॉडी का जो अपथ्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है वेट से, तो बॉडी विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आ गया समझ में सबको? बोलिए कोई प्रॉब्लम है आपको? लॉज ऑफ फ्लोटेशन समझ में आ गया अच्छे से? बोलिए कोई प्रॉब्लम है?
छापो इसको भी छापो, क्या है फोर्सेस बिटवीन द क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, सरफेस टेंशन, क्या आता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार एंगल या एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, ठीक है। कि जब तक आपको एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं पता होगा तो आप क्या है सरफेस टेंशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, समझिएगा। चलिए सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले आपको जानना है फोर्सेस बिटवीन द क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल, समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे होता क्या है कि हम हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक की जो मटेरियल है वो फ्लूइड के मतलब जो फ्लूइड है वो किसी कंटेनर में भरा हुआ है, फ्लूइड जो है वो किसी कंटेनर में भरा हुआ है, समझिएगा बात को, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्या है वाटर है, क्या है ये वाटर, और ये क्या है ग्लास है, क्या है ये ग्लास, ये ग्लास का जार है और ये क्या है वाटर लिक्विड इसके अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको उस ग्लास के जार में जो वाटर है उसकी जो सरफेस है कई बार तो फ्लैट दिखती है, कई बार वो ऑब्ट्यूज दिखती है और कई बार वो क्या दिखती है एक्यूट दिखती है। इस सब का रीजन क्या है, ठीक है ना, इस सब का रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले एक फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, कौन सा फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, और दूसरा एक फोर्स होता है क्या एडहेसिव फोर्स, कौन सा फोर्स होता है बताइए एडहेसिव फोर्स, समझिएगा बात को। तो अगर अपन किसी भी कंटेनर में लिक्विड को भर के रखते हैं वहां दो दो फोर्सेस काम करते हैं, तो कोहेसिव फोर्स और दूसरा क्या एडहेसिव फोर्स, बात को समझिएगा, नाम से क्लियर है कोहेसिव और दूसरा क्या एडहेसिव, नाम से कैसे क्लियर है द फोर्स बिटवीन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है ना, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या सेम मटेरियल कॉल्ड कोहेसिव फोर्स एंड द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स कॉल्ड क्या एडहेसिव फोर्स। जब हम फ्लूइड को या किसी भी दूसरे सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस के जार में रखते हैं तो हम देखते हैं कि जार और उस मटेरियल के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है फोर्स होता है। आपको याद हो शायद आपने कभी थर्मामीटर देखा, थर्मामीटर किसी ने थर्मामीटर देखा मरकरी वाला मुंह में रखते हैं या तो उससे क्या है कि वो टेम्परेचर मेजर करता है, याद है आपको, बोलिए। उसके अंदर ना मरकरी भरी रहती है, मरकरी भरी रहती है तो जैसे ही हम उसको रखते हैं तो वो मरकरी एक्सपेंड होती है और मरकरी किसी पर्टिकुलर हाइट तक चली जाती है जहां पे हम देख लेते हैं कि मरकरी यहां तक आ गई है, मतलब हमारा टेम्परेचर इतना है, बॉडी का टेम्परेचर इतना है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम उसको किनारे रख देते हैं वो पूरी की पूरी मरकरी सेंटर पे मतलब बॉटम पे जाके कलेक्ट हो जाती है। लेकिन आप देखो उसकी दीवार वो जो ट्यूब की वॉल है उस पर थोड़ी बहुत मरकरी छपी हुई रहती क्या, बताइए आपने कभी देखा थोड़ी बहुत मरकरी वहां पे छपी छूट जाए बाकी कुछ नीचे चली जाए, देखा आज तक ध्यान से, कभी नहीं रहती, एक भी मरकरी उस ग्लास ट्यूब के साथ चिपक के नहीं रहती, पूरी की पूरी मरकरी नीचे बॉटम में चली जाती है। ये किसकी वजह से, ये इसी कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की वजह से, किसकी वजह से इसी कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो समझिएगा सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, सेम टाइप के या सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज द कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। आपको याद हो फेविकोल के डिब्बे में लिखा रहता है एडहेसिव, लिखा रहता है फेविकोल के डिब्बे में, याद है किसी को फेविकोल के डिब्बे में, नहीं देखा आपने, देखना फेविकोल में वो अलग अलग मटेरियल को ज्वाइन कर देता है। तो समझ में आ गया सबको कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार हम देखते हैं कि जो लिक्विड की सरफेस है वो कुछ इस टाइप की हो जाती है, या अपन ऐसे ध्यान रखें अगर अपन गिलास में पानी भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं तो कई बार गिलास के ऊपर भी पानी रहता है, देखा आपने कभी ऐसे पानी भर जाता है, कभी देखा आपने भरते जाएं भरते जाएं, ये कॉन्वेक्स सरफेस। इसका रीजन
कुछ लिक्विड ऐसे रहते हैं जो आपने कम देखे हैं, वो बर्तन में ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। कुछ लिक्विड रहते होते हैं ऐसे विचित्र टाइप के, जो बर्तन में कुछ इस टाइप का शेप बनाते हैं। इस शेप को मेनिसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिसस। और इस मेनिसस का रीजन क्या है? इस मेनिसस का रीजन है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या रीजन है बताइए? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझिएगा बात को, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है किसी लिक्विड में, या इस टाइप की सरफेस है, हालांकि इतनी ज्यादा नहीं दिखती लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो रहती है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑन द मेनिसस, टेंजेंट ऑफ द मेनिसस विद द वॉल ऑफ कंटेनर। व्हाट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑफ द मेनिसस, टेंजेंट ऑफ द मेनिसस विद क्या? वॉल ऑफ कंटेनर। आया समझ में? बताइए जल्दी से, कोहेसिव और एडहेसिव क्लियर हो गया था ना? इसके बाद क्या टर्म आया? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? इट इज द एंगल मेड बाय द, इट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट। कौन सा टेंजेंट? ड्रॉन ऑन द मेनिसस ऑफ द सरफेस, या ड्रॉन ऑन द क्या? मेनिसस ऑफ द सरफेस विद द वॉल ऑफ कंटेनर। इट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑन द मेनिसस विद द क्या? वॉल ऑफ कंटेनर। उस मेनिसस पे अगर अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट और वॉल ऑफ कंटेनर के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कैसा है? एक्यूट है। यहाँ पे कैसा है? ऑब्ट्यूज है। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है तो कैसा मेनिसस बनेगा? कॉनकेव। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज है तो कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स। आ गया समझ में? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मालूम चल गया आपको, कोहेसिव एडहेसिव, और मालूम चल गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? इट इज एंगल मेड बाय द टेंजेंट ऑन द मेनिसस विद वॉल ऑफ कंटेनर, टेंजेंट ऑन द मेनिसस विद वॉल ऑफ द कंटेनर। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है इसका मतलब मेनिसस कॉनकेव है, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज है तो कैसा है वो? कॉन्वेक्स है। आ गया समझ में? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी मालूम चल गए। कल अपन जो है कोहेसिव एडहेसिव के बेसिस पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पूरा एंटायर सरफेस टेंशन डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, समझ में आ गया सबको सब कुछ? नोट करिए इसको भी।